हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्रंट एंड का बहुत ही खूबसूरत नेक डिजाइन बनाना बताऊंगा जो कि कॉलर में होगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, हमें सिर्फ नेक डिजाइन बनाना है ऊपर वाली साइड में। तो हमारा ऊपर वाला फ्रंट वाला हिस्सा है, नीचे हमारा बैक वाली साइड है। तो हम ऊपर वाला फ्रंट वाला हिस्सा लेंगे और किस तरीके से नेक कटिंग होगा उससे आप ध्यान से देखें। हमारा नेक डीप है 8 इंच, 8 डीप है, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से, इंची टेप को तिरछा रख के अपने गले ब्रॉड से। ये हमने 8.5 इंच पे दोस्तों निशान लगा लिया। ये देखिए, मैं यहाँ पे निशान लगाता हूँ, इसके लिए नीला चौक लेता हूँ, ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो ये निशान लगाने के बाद अब यहाँ से जो दोस्तों लेंथ लेंगे, वो लेंथ लेंगे हम 3.25 इंच में। ये हमने 3.25 इंच पर निशान लगा लिया। अब इसको यहाँ तक हमें गोल में नहीं करना, हल्का सा वी में रखना है। अब मैं यहाँ पर देखिए ऐसे रखता हूँ, इस तरीके से आपको हल्का सा वी में रखना है। और यहाँ से तकरीबन आपको 1/4 इंच का निशान लगाना है। ये हमने 1/4 इंच का निशान लगा लिया, ठीक है। अब जो 1/4 इंच का आपका जहाँ निशान लगा है, यहाँ से अपने गले डीप तक आपको ऐसे नापना है कितना है, ये चीज़ का ध्यान रखें। ये आपका आ रहा है 1/5 इंच, ये खास तौर पर ध्यान रखें, 1/5 इंच आपका आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हम इसके आला को कटिंग करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे हल्का सा, ठीक है। अब दोस्तों 1/4 इंच का हमारा ये हो गया, और टोटल यहाँ से जो लेंथ होगी, गला नापने का तरीका होता है, ये 1/5 इंच आ रही है। हम इसे अभी अलग कर देते हैं। अलग करने का दोस्तों हम ये बुकरम लेंगे, ये हमारी बुकरम है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों इस पर हम जो हमारा आला हमने कटिंग करा था, अगर आप जैसे कि बिगनर हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है कटिंग करने के लिए। आपको इस तरीके से रख के एक निशान अपने कट पे जो लगाए वो लगा लो, और इसको शेप में इस तरीके से दोस्तों निशान लगा लो। ये हमने निशान दोस्तों लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप नापने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पे निशान लगा सकते हो। मैं यहाँ पे निशान लगा लेता हूँ। अब निशान लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं गले की शेप देता हूँ, जो भी गले शेप कटिंग करने वाले हैं, तो मैं इस यहाँ पर देखिए इस तरीके से शेप दे देता हूँ, यहाँ पर ला के मिला देता हूँ। ये हमारे गले की शेप हो गई। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी चौड़ाई में गला कटिंग करना है उतने चौड़ा आप यहाँ पे कटिंग कर ले। मैं यहाँ पे 1 इंच का करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आप 1 इंच का इस तरीके से निशान लगा लगा के पूरा अच्छी तरीके से गोलाई में, इक्वल गोलाई में, ठीक है। जब आप कटिंग करेंगे दोस्तों एक अंदाज़ा हो जाता है, इक्वल गोलाई में आप यहाँ पर निशान लगा लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब ये वाला जो हिस्सा है हम इसे कटिंग करेंगे, जो हमारे आले की शेप थी हम इसको कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों ये निशान लगाएंगे ना, तभी आप अच्छी तरीके से गले को कटिंग कर पाएंगे। हमने कटिंग कर लिया, अब जो हमारी ये सेफ है हम इसको कटिंग करेंगे। है तो हम ऊपर से कटिंग करते हैं जिससे आप भी अच्छी तरीके से देख पाएं इसको। ये कटिंग हो गया। अब कटिंग करने के बाद दोस्तों जो हमने निशान लगाया था इक्वल, आप जैसे भी लगाएं पेन से किसी भी चीज़ से इक्वल निशान लगा के दोस्तों बिल्कुल इसे नीचे तक इक्वल कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया। तो चलते हैं अब मशीन पे और आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से ये बनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, एक कंट्रास्ट का कपड़ा हमने लिया है, इसको हम ऐसे रखेंगे और उल्टी तरफ से अपने गले को ऐसे रखेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखने के बाद अब इसे हम यहाँ पर इस साइड से दोस्तों कच्चा कर लेंगे, ये सिलाई हम बाद में खोलेंगे, और इसको हम गले को इस तरीके से कच्चा करेंगे। अब कच्चा करने के बाद दोस्तों ये वाली जो साइड है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे बुकरम के बराबर से, और यहाँ पर भी दोस्तों कच्चा करेंगे, यानी कि इसे भी हम कच्चा करेंगे, और जहाँ गोलाई हल्की वहाँ पे कट लगा लेंगे जिससे कि कपड़ा अच्छी तरीके से आपका बैठ जाए। तो चलिए इसमें भी हम कच्चा कर लेते हैं। हाफ करने के बाद दोस्तों इस कपड़े को हम इस तरीके से कटिंग करेंगे, जैसे कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और अब इसी तरीके से ये वाला हिस्सा है दोस्तों, इसे भी हम हाफ पूरा पलट लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमने यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से इसे पलट के ऊपर से बराबर कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद आप इसे ऐसे डबल में मिला लें, ठीक है, इस तरीके से पूरे नेक को ये हमने मिला लिया। यहाँ पे अब हल्का हल्का नाखून लगा लें, ठीक है, और सेंटर में हम कट कर लेते हैं। इसी तरीके से सेंटर में आप यहाँ पे भी कट कर लो। और कट करने के बाद इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से, ये देखिए, और अपने इस सेंटर वाले हिस्से को इससे मिला लेंगे, या फिर बुकरम वाले हिस्से को मिला लें बराबर से। देखिए कट देख लो, हम दोनों कट को ऐसे मिला लें क्योंकि ये मिलना ज़रूरी है। और उसके बाद हम सिलाई लगा के इसको उल्टी साइड से इसे हम जमा लेंगे, जिससे गला तिरछा ना हो, हिले ना। अब यहाँ पे लाने का दोस्तों इसको हम उतार के यहाँ पे धागा कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ये वाली जो साइड होगी इसमें हम कट से जो हमने कट लगाया था उस पर हम इसे सिलाई लगाएंगे, और ये सिलाई लगा के ये वाली जो साइड है दोस्तों इसको भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे सेम।
ये हमारे यहाँ पे दोस्तों सिलाई लग चुकी है। अब हम धागे को कटिंग करके इसे गोलाई में एक एक पैर के मार्जिन के हिसाब से दोस्तों कटिंग कर लेना है, और जहाँ जहाँ गोलाई है दोस्तों वहाँ वहाँ पे हम इसके कट भी लगाएंगे। एक पहले कोने पे कट आएगा और ये गोलाई है, हम इस गोलाई में इस तरीके से दोस्तों कट लगा लेंगे जिससे कि गला पलटने में हमें परेशानी ना हो, तो ये कट लगाने ज़रूरी होते हैं। दोस्तों कट लगाने के बाद इसको हम सीधी तरफ ऐसे पलटेंगे, और पलटने के बाद दोस्तों इसके किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने देखिए हल्के दबा के इस तरीके से सेट करके सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बराबर से किनारे पे। अब ये सिलाई लगने के बाद दोस्तों ये आपका गला तो आपका बन गया, लेकिन ये जो पट्टी यहाँ से उठ रही है इस तरीके की, तो हमें क्या करना है, देखिए गले के बिल्कुल सेफ में आ रही है, तो हम यहाँ पर पहले हल्की से सिलाई लगाते हैं जिससे कि ये हिस्सा भी रुक जाए। और यहाँ पे सिलाई लगा के अब जो ये हिस्सा आपका बचेगा इसके किनारे से पूरे गले को हम सिलाई लगा के पक्का कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे पलट के इसका कच्चा भी खोल लिया था जिस कच्चे से हमने इसके गले को पलटा था। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इस कलर का धागा चढ़ा के जो सिलाई लगानी है, मैं तो सेम कलर के धागे से लगाऊंगा, तो आप देखना किस तरीके से सिलाई लगाई जा रही है। तो ये हमारी बैक साइड है, हम अपनी बैक साइड को ऐसे ओपन करेंगे, और दोस्तों ओपन करने के बाद हम अपने जो नेक वाला हिस्सा है इसको इस तरीके से रखेंगे, और रखने के बाद दोस्तों देखिए ये कट से कट आपका ऐसे मिल के आ जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई, तो पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिलाई आधा इंच के हिसाब से, फिर इसे उतार दूँगा, ठीक है, फिर एक सिलाई और लगाऊँगा, यहाँ पक्का करूँगा, तो दोस्तों यहाँ भी पक्का करके इसे फिर उतार दूँगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी दोस्तों इस कंधी को जोड़ लें। तो दोस्तों जब कंधी को आप जोड़ लेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो आपका आधा इंच का तो फर्क होता ही है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये तो आपका दबाव में जाता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से कैंची मेरी कहाँ जा रही है, हल्की सी तिरछी में, और इसको इस तरीके से हल्का हल्का ऐसे गोलाई करनी है, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद फिर इसको ऐसे गोलाई देते हुए फिर किनारे पर लेके जाएंगे ऐसे मिला के, और इसको तिरछा कटिंग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और फिर इसको मिलाने के लिए आप चाहे तो इक्वल करना है तो बैक साइड में जो क्रीज बनी थी इसको भी ऐसे पकड़ लें, और ऐसे मिला के भी आप कटिंग कर सकते हैं जिससे कि दोनों बार एक बराबर कर, जैसे कि आप बिगिनर हैं तब, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक बार में सही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी आप हल्का हल्का सा इतना इतना दोस्तों बैक साइड से भी छाँट सकते हैं जिससे कि इक्वली आ जाएगा। और आने के बाद दोस्तों जब आप इसको ये जो गले हैं इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको इस मिलाने के ऐसे पकड़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों कट। और कट लगाने के बाद हम इसको यहाँ पर नापेंगे आला को, ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच, ठीक है। तो 6.5 इंच का हम कॉलर कटिंग करेंगे, किस तरीके से कटिंग करनी है आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी बेल्ट रोल है, आपको एक बेल्ट रोल होती है उसमें से कटिंग कर लेना है करीब 14 इंच के आसपास, और आपको इस तरीके से दोस्तों मिला के सेंटर में कच्चा कर लेना है। इसे हम मशीन से कच्चा कर लेते हैं जिससे कि बिल्कुल, क्योंकि चिकनापन होता है ना चिपकने वाली जगह पे तो ये फिसलता है, तो इसे हम कच्चा करके दोस्तों रोक लेंगे। अब रोकने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे वाली साइड से इसको इस तरीके से ऐसे करना है, और हल्का सा इसको इतना तिरछे में दोस्तों गोलाई कर देनी है, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इतने तिरछे में गोलाई करके यहाँ पर ला के उतार देना है, ठीक है। अब ये उतारने के बाद मैं आपको पैंट से बताऊंगा कि किस तरीके से आप निशान लगा के आप इसे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको आप इस तरीके से 6.5 था तो हम आले को ऐसे नापते हैं, और जो 6.5 आएगा जहाँ पर वहाँ पे पैंट से निशान लगा लेते हैं, ठीक है, ये हमें निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो है आप इसको इस तरीके से देखिए कटिंग करेंगे, चाहे तो आप निशान लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट को भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं जैसे मैं कटिंग करने जा रहा हूँ, देखिए ऐसे कटिंग करके अब इसको बिल्कुल इक्वल दोस्तों बिल्कुल उसी सेम में देते हुए आप इसको कटिंग कर लेंगे इक्वल कटिंग। तो दोस्तों सेम कटिंग करने के बाद आप इसको इस तरीके से पकड़ें और इसको ऐसे खींच देंगे, तो दोस्तों ये धागे आपके जितने भी हैं इसको हटा लें, ये आपका कॉलर कटिंग हो चुका। अब दोस्तों इसे आप प्रेस से जो है इसे अच्छी तरीके से चिपका लेंगे, जिस कलर की हमने पट्टी पलटी थी बिल्कुल सेम कलर में आप चिपकाएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कॉलर कैसे बनाना है। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ इसे चिपका लिया प्रेस से, अब इसको हम ऐसे पलटेंगे और बिल्कुल दोस्तों इसके किनारे पर आपको सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से करते हुए, ऐसे फोल्ड करते हुए बिल्कुल बराबर से पूरे कॉलर पे आपको सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों जब आप इसे ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो इतना इतना कपड़ा कटिंग कर लें, फिर आपको एक ऐसा ही कपड़ा लेना है, इसके ऊपर ऐसे रखना है वैन को अपनी, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप जो ये वाला हिस्सा है इस साइड से आपको इस तरीके से दोस्तों सिलाई लगानी है, यहाँ थोड़ा पक्का करना है, और फिर इसकी सेम में ही दोस्तों सिलाई लगाते हुए पूरे वैन पर हम जाएंगे,
और जब हम यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो इसी तरीके से सिलाई लगाते हुए जितनी दूरी से हमने स्टार्ट करा था इतनी दूरी पे दोस्तों इसे लाके हम पक्का करके यहाँ पे उतारेंगे और यहाँ पे दोस्तों इसको कर लेंगे धागे को कटिंग। तो हमने धागा कटिंग कर लिया। अब ये हिस्सा जो है इसको बिल्कुल एक ही सेम में इक्वल एक एक पैर का मार्जिन देते हो दोस्तों इस पूरी वैन को हम कर लेंगे कटिंग। और ये वाली जो साइड है दोस्तों यहाँ पर धागे को पहले अच्छी तरह फिनिशिंग से कटिंग कर लें और यहाँ पर एक पैर के मार्जिन से यानी जितने मार्जिन से आप चढ़ाओगे उतना उतना इक्वल दोस्तों कटिंग कर लेंगे पूरी वैन को। अब दोस्तों कटिंग करने के बाद ठीक है यहाँ पर इस धागे को कटिंग कर लें, धागे रहेंगे तो फिनिशिंग नहीं आती। अब इसको एक बराबर ऐसे पलटें, ऐसे रख के दोस्तों यहाँ पर कट लगा लेंगे सेंटर में। ठीक है अब हम इसे कट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे इसको ऐसे रखते हैं और अपना ये वाला हिस्सा लेते हैं। अब यहाँ पर देखना आप, यहाँ पे हमने कट लगा रखा सेंटर में, तो इसका जो कट हमने लगाया ये कट आपका इससे मिलके आना चाहिए। वैन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, वैन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे उल्टी साइड से। अब इसे पहले बूट में ऐसे फंसाते हैं और ये जो साइड है ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली जो साइड होगी जब हम इसे सीधा करेंगे ऐसे तो हमारा जो वैन होगा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है देखिए हो गया। अब हम यहाँ से दोस्तों अपने वैन को चढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कपड़ा होगा जो गैपिंग हल्की सी थी इस कपड़े को हम ऐसे करके देखिए इस तरीके से जाएगा। हम इसे हल्के से एक पैर बराबर दोस्तों कर लेना है जितना हमने मार्जिन छोड़ा था और इसको हम इस किनारे पे ऐसे रखेंगे। ध्यान से देखें इसको ऐसे रख के दोस्तों अब ना हम यहाँ पर इस पर एक पैर का मार्जिन ही हमने छोड़ा था तो एक पैर के मार्जिन दोस्तों हम इसे करेंगे पक्का। और पक्का करके दोस्तों थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के आगे आएंगे, जब हल्की सिलाई लगा के आगे आएंगे तो यहाँ से हम इसको नापेंगे। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल बराबर कट से कट मिल के आ रहा है। हम इसे बिल्कुल आराम से और जो कंधे का मार्जिन है इसे बैक साइड में रखेंगे और इसे दोस्तों सिलाई लगाते हुए हम आएंगे और सिलाई पे इसको अंदर की तरफ सुई करके हम इसको ऐसे घुमा लेंगे और इसको एक बराबर दोस्तों करते हुए सिलाई लगाएं एक पैर की, फिर इसको ऐसे घुमा लें। घुमाने के बाद दोस्तों वैन के कट को आप कमीज के कट से मिलाना जरूरी है तो इसे कट से मिलाएंगे। ये देखिए हमारा कट मिल के आ गया। फिर इसके बाद दोस्तों जिस तरीके से हमने हाफ करा है इसको भी करेंगे और इसको मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो देखिए इसको ऐसे सेट करते हुए आपको इसे सिलाई लगानी है और ये वाला हिस्सा आपका बैक साइड में जाएगा देखिए, और इस पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का इसको ऐसे सेट कर लें, फिर दोस्तों इस पर सिलाई सेट करने के बाद फिर सिलाई लगाएंगे और इधर वाली साइड को भी आपको कपड़े को बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर लेना है। ठीक है देखिए हमने फोल्ड कर लिया और इसको बिल्कुल किनारे पे आपका आएगा, ये इसे बिल्कुल किनारे पे मिला के हम रख लेंगे। ये देखिए ऐसे करके रख लिया हमने और सिलाई लगाएंगे। तो अब सिलाई लगाते हो दोस्तों जब आगे तरफ आएंगे हम यहाँ पर करेंगे हम इसे पक्का, बैक साइड में जाके दोस्तों इसे हटा के हम यहाँ पर धागे को कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम जायज़ा लेंगे बैक साइड से कि कहीं पे कपड़ा झोल तो नहीं पड़ा है, चुन्नट तो नहीं आई, तो देखते हैं। बिल्कुल ओके हमारा लगाइए। अब हम इस धागे को भी दोस्तों कटिंग कर लेंगे, ये हमने धागे को भी यहाँ पर दोस्तों कटिंग कर लिया। कटिंग करने के बाद हम इसको जब ऐसे पलटेंगे ठीक है, ये हमारा जो वैन है इसे ऐसे पलटेंगे तो ये जो आपका कपड़ा था इस कपड़े को हम सेट करेंगे अच्छी तरीके से बुकरम के बराबर जिससे कि धागे वगैरह ना निकले। और इसको ऐसे सेट करके देखिए बिल्कुल इक्वल सेट करके अब दोस्तों इस पर हम लगाएंगे सिलाई। तो देखिए हमने यहाँ पर सेट कर दिया इसको अच्छी तरीके से और सेट करके दोस्तों इस पर हम लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सिलाई लगाना और इसी को एक बराबर बिठाते हुए इस पर दोस्तों हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है और बिल्कुल इक्वल दोस्तों करते हुए आप इसको सिलाई लगाएं। और ये वाला जो हिस्सा है इसको भी ऐसे फोल्ड करके यहाँ वाले हिस्से को भी बिल्कुल इक्वल मिला के वैन से अपने देखिए किनारे को मिलाना है। और इसको जब यहाँ पर आप मिला के रखेंगे तो ये वाला हिस्सा आपका किसी भी तरीके का नोक वगैरह ख़राब ना हो, फिनिशिंग से दोस्तों आप बिठा के दोस्तों इस पर भी सिलाई लगा लें और इस पर इस तरीके से सेट करके सब कपड़े को सिलाई लगाएं इसके किनारे में। तो सिलाई लगाने के बाद दोस्तों आप देखेंगे बिल्कुल जब किनारे पे आएंगे हल्का फुल्का आपको लगता है तो पेचकस या सुई की मदद से दोस्तों इसके नोक को बिठाना है। ये आपको ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि नोक ही मेन फिनिशिंग वाली जगह होती है। यहाँ पे हल्का सा पक्का करके इसको ऐसे कर लेंगे, फिर दोस्तों जब इसको इस तरीके से घुमाया जाएगा तो अब इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे जिससे कि आपका ये वैन अच्छी तरीके से बैठ जाए मजबूती से। और इसको कपड़े को देखिए हल्का हल्का सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक है इस तरीके से सिलाई लगा के आने के बाद अब इधर भी आपको लगता होगा थोड़ी सी अगर लग रही कमी
तो पेचकस की मदद से, सुई की मदद से दोस्तों इसका भी मार्जिन अंदर की तरफ सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों इसको भी सिलाई लगाते हुए यहाँ पर आएंगे और फिर इसको ऐसे घुमा के थोड़ी आगे तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ उतार के दोस्तों इसको कर लेंगे कटिंग धागों को। और अब मैं आपको इसकी गेटअप दिखाता हूँ कि बनने के बाद इसकी किस तरीके की गेटअप दिखेगी। तो ये देखिए दोस्तों बनने के बाद कुछ इस तरीके की गेटअप दिखेगी और बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये बनने के बाद गला लगता है। मैंने अपनी वाइफ का खुद ये गला बनाया है और काफ़ी अच्छा लगता है बनने के बाद। और दोस्तों इसके अंदर एक काम और कर सकते हो आप, इसके अंदर आप बटन लगा सकते हो। किस तरीके के बटन दोस्तों, देखिए इस तरीके के आप 3 बटन रख लेंगे तो ये और ज़्यादा गेटअप इस गले की बढ़ा देता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है नेक डिज़ाइन पूरा कॉलर के साथ तैयार हो जाता है। दोस्तों ये आप प्लेन कपड़े पे अगर प्रिंटेड कपड़े का यूज़ करके बनाते हो तो बहुत ही प्यारा है दोस्तों इसकी गेटअप आएगी। तो दोस्तों आपको नेक डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।